अरे चलिए, इसके मैं शॉर्ट बुक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना। चलिए तो फटाफट से रिवाइज करते हैं अपना चैप्टर, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम क्या बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सब लोग मेरे साथ हैं, लेट्स रिवाइज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बेसिकली ये एक्ट जो है ये किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है किसका, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता था, लेकिन आज जब फेमा आया तो फेमा के बाद हम हर एक ट्रांजेक्शन को रेगुलेट नहीं करते हैं, हम कुछ ट्रांजेक्शन को ऐसे ही अलाउ कर लेते हैं, बस आपके ऊपर ये ट्रस्ट रख करके उन्होंने आपको अथॉरिटी दी है कि भैया ये आप काम जो है फेमा के अंदर खुद कर लीजिए। बस एक बात समझना, हम जिन जिन बातों को करने के लिए नहीं बोल रहे वो काम ना करिए। अगर आपने वो काम कर लिए जो हम आपको स्पेसिफिकली मना करते हैं तो हम फेमा का नॉन कंप्लायंस मानेंगे। जैसे इनकम टैक्स आपका सेल्फ असेसमेंट पे बेस पे चलता है, वैसे फेमा भी सेल्फ असेसमेंट पे ही चलता है। इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे, क्या इनकम टैक्स का रिटर्न असेसी खुद भरता है? यस, सीए के द्वारा भरवाता है, लेकिन ये असेसी खुद भरता है। तो उसके अंदर इनकम डिस्क्लोज करने की जिम्मेवारी किसकी है? असेसी की है। अच्छा, सही सही इनकम बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? असेसी की है। अगर असेसी ने उसके अंदर गलत सलत इंफॉर्मेशन डालकर रिटर्न भर दी तो बताएंगे क्या गवर्नमेंट आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है? यस। तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। आप खुद अपनी इनकम डिसाइड करिए, खुद उसको कंप्यूट करिए, खुद उसका टैक्स भी असेस करिए, खुद उसका टैक्स भी पे करिए, फिर बाद में मैं चेक कर लूंगा कि आपने क्या कांड करे हुए। अगर उसके अंदर गलती हुई तो हम आपके ऊपर नोटिस जारी करेंगे और कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी ठोक देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो फेमा भी सेल्फ असेसमेंट बेस पे ही चलता है। आई बात समझ में? फेरा ऐसा नहीं था। फेरा जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, हर एक ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करके रेगुलेट करके चेक करके ही अलाउ किया जाता था। आई बात समझ में? चलिए, तो विद दिस नॉलेज कम्स टू वी विल कम टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बताएंगे इस एक्ट का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये कहां कहां अप्लाई करता है? इट इज अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मान ले अदानी एंटरप्राइज ने अगर दुबई में अपने कोई ब्रांच ओपन करी तो क्या उस ब्रांच को भी पर्सन का दर्जा दिया जाएगा? क्या उस पे भी फेमा एप्लीकेबल है? मतलब मान लो अदानी एंटरप्राइज को दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी करनी है और उसको अभी इंडिया से फॉरेन करेंसी ड्रॉ करने होंगे, तो उन्होंने क्या करा, दुबई के अंदर अपनी एक ब्रांच ओपन करी और उस ब्रांच के द्वारा जो भी पैसे उन्होंने ब्रांच में कमाए हैं दुबई में डरहम्स में, उसका इस्तेमाल वो क्या करना चाहते हैं, दुबई की प्रॉपर्टी खरीदी करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन नाम किसका होगा, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का। तो क्या उस ब्रांच पे भी फेमा के वो प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदी करनी है तो हमारा अप्रूवल लीजिएगा? द आंसर इज यस। तो आज इंडिया के बाहर इंडिया के किसी पर्सन या कोई भी एंटिटी ने इंडिया के बाहर कोई भी ब्रांच एजेंसी ओपन करी तो उसको भी हम लोग इंडिया के लिए एक फेमा के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन मानेंगे और उस पे भी फेमा के सारे सारे प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। उसके बाद हमने देखे थे कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर पहली डेफिनेशन फॉरेन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन करेंसी? इट इज अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? ऐसा एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी में होता है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो हम देखे थे पहले क्या, द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो बताएंगे हु इज अ पीआरआई। पीआरआई पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा हु इज अ पर्सन, कौन कौन होता है पर्सन। वैसे तो ऊपर वाली सारी बातें पर्सन आती है, इंडिविजुअल पर्सन है, एचओएफ पर्सन है, फर्म पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, या कोई भी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो, या ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर वाले कैटेगरीज में नहीं आती वो हमारे लिए पर्सन है। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूंगा कि इंडिया में कोई भी पर्सन फॉरेन करेंसी से डील करेगा वो पर्सन क्या माना जाएगा, मेरे लिए पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेट नहीं है, इंडिविजुअल है, एचओएफ है, फर्म है, कंपनी है, कोई अपनी सोसाइटीज है, कोई भी है, तो वो मेरे लिए पर्सन है। हाँ, इसके अंदर ये पॉइंट आया हुआ है दैट इज कि कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच, अगर आज इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर जाकर के ओन या कंट्रोल करता है तो वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, पर्सन, और उस पर भी फेमा अप्लाई कर जाएगा। द आंसर इज यस। फिर आए थे हम लोग पर्सन रेसिडिंग आउट ऑफ इंडिया, दैट इज पीआरओआई, और दूसरा था आपका क्या बोलो, पीआरआई। व्हाट इज पीआरओआई? जो पीआरआई नहीं है, और व्हाट इज पीआरआई? जो कि पीआरओआई नहीं है। वेरी गुड। तो पीआरआई को डिफाइन करना पड़ेगा। पीआरआई का मतलब क्या होता है, अगेन ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर पिछले साल में 182 दिन से ज्यादा रहा हो। मतलब कितने दिन रहा हो, 183 या फिर उससे ज्यादा दिन। इनकम टैक्स के हिसाब से क्या 182 दिन भी पीआरआई के कैटेगरी के लिए इनफ है? लेकिन फेमा के अंदर 182 दिन में पीआरआई
नहीं बनता है कंपलसरी 183 या फिर उससे ज्यादा। बताएंगे आज इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर गया था, आज वो इंडिया में आया है, तो क्या उसको पीआरआई कहेंगे पीआरओआई कहेंगे? उसके लिए उसको पिछले साल का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। ईबीओ तो है लेकिन फिर भी, आज मान लो इंडिया का बाहर का फॉरेन सिटीजन आज इंडिया में आया है तो इस साल वो क्या है उसके रीजन चेक करने होंगे, लेकिन फिर भी वो पीआरओआई माना जाएगा। हाँ, अगर इंडिया के बाहर का, दैट इज मान लो इंडिया का फॉरेन सिटीजन, नॉट इंडिया का, फॉरेन सिटीजन इंडिया में आया है इस साल और इस साल वो इंडिया में 200 दिन रहा है, तो अगले साल वो क्या बन जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रेसिडेंट के लिए क्या आपको सिटीजनशिप का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो फॉरेन सिटीजन भी पीआरआई हो सकता है, इंडिया का सिटीजन भी पीआरआई हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर जा रहा है किस पर्पज के लिए? ईबीयू के पर्पज के लिए। व्हाट इज ईबीयू? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए। हेलो, उसी समय वो क्या बन जाएगा? यस, तो जैसे मान लो आज कोई इंडिया का पर्सन है जिसने कोई आईआईटी वगैरह करा और उसको इंडिया के बाहर जाकर के किसी आईटी कंपनी में या मैकेनिकल कंपनी में जॉब लग गई, तो वो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो वो आज इंडिया के लिए क्या माना जाएगा? जिस दिन वो ईबीयू के लिए गया उस दिन से या गया अगले साल के लिए? मान लो वो इस साल इंडिया में 300 दिन रहा है और 301वें दिन पे वो इंडिया के बाहर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो अगले साल पीआरआई की पीआरओ है? अरे अगले साल नहीं, जिस दिन निकलेगा उसी दिन से वो क्या माना जाएगा? पीआरओ है। और अगले साल तो वैसे ही वो क्या बन जाएगा? पीआरओ है। उसके बाद इंडिया का बाहर का पर्सन इंडिया में आ सकता है? यस, अगर ईपीयू के लिए आया है तो पीआर है, और अगर मान लो अगले साल उसका स्टेटस चेक करना है तो, जैसे अगर मैं कहूंगा कि अगर कोई भी इंडिया का बाहर का पर्सन फॉरेन सिटीजन, फॉर दैट मैटर फॉरेन सिटीजन, अगर आज वो इंडिया में आया है और वो ईबीयू के लिए आया है, किसके लिए आया? ईबीयू के लिए, तो आप उसको इस साल क्या कहेंगे? पीआरआई कहेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, दिस ईयर जिस साल आया है उसके लिए वो पीआरआई है, अगले साल के लिए उसको क्या माना जाएगा? पीआरआई की पीआरओ है। डिपेंड करेगा कि पिछले साल जिस साल वो आया था उस साल उसका इंडिया में स्टे कितना है, 183 दिन या फिर उससे ज्यादा या उससे कम। तो अगर पिछले साल उसका स्टे 183 या फिर उससे ज्यादा दिनों का है तो पीआरआई, और पिछले साल 182 या उससे कम दिन है तो पीआरआई। वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा था ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड इंडिया में है वो कंपलसरी क्या हो जाएगा? पीआरआई हो जाएगा। उसका उसका कोई स्टे वगैरह नहीं होता, वो इंडिया में होता है। या ऐसा कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी इंडिया के अंदर ओन या कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की ब्रांच ऑफिस खोल दी, तो वो इंडिया के लिए क्या है? पीआरआई। जैसे टेस्ला का कोई ब्रांच इंडिया में है तो उसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? वेरी गुड। या ऐसा कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया में सिचुएट है जिसको ओन कंट्रोल कौन कर रहा है? पीआरआई कर रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? वेरी गुड। क्या सिटीजनशिप क्राइटेरिया पीआरआई पीआरओ के लिए है? और बताएंगे क्या ये इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अलग है? द आंसर इज यस। उसके बाद हमने देखा था क्या बोलो, कैपिटल अकाउंट एंड क्या बोलो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बताएंगे व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्या नहीं है? करंट अकाउंट नहीं है। और व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जो, वेरी गुड। बताएंगे मुझको व्हाट इज करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी भी पीआरआई की, क्या बोलो, किसी भी पीआरआई की इंडिया के बाहर फॉरेन में क्या हो रही है, असेट या लाइबिलिटी को ऑल्टर कर रही है कम या ज्यादा। और ऐसे या कोई भी पीआरओआई जिसका, क्या बोलो, इंडिया में असेट और लाइबिलिटी कम या ज्यादा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बनेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? व्हिच इज अदर देन दी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ, कुछ बेसिकली तीन चार ट्रांजैक्शन को आपको बताया हुआ है कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक एग्जांपल बड़ी बहुत ही बढ़िया एग्जांपल कि अगर आज आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हो प्रिंसिपल का, तो वो क्या है? वाई? बिकॉज आपकी लाइबिलिटी इंडिया के बाहर की कम हो रही है। और अगर मान लो उसी लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो करंट अकाउंट माना जाएगा। वेरी गुड। चलिए फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर 6, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आज कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है या इंडिया से फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैट, तो वो कर सकता है। लेकिन बस आपको क्या करना होगा, सबसेक्शन 2 को देखना होगा। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आरबीआई
स्पेसिफाई करेगा ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि एक डेट ट्रांजैक्शन है, डेट इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजैक्शन है, जो परमिसिबल है लेकिन उसकी लिमिट भी हम बताएंगे, और परमिसिबल है लिमिट भी बताएंगे, कोई और एडिशनल कंडीशन लगानी है तो वो भी हम ही बताएंगे, प्रोवाइडेड दैट लिखा है कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके ऊपर कभी क्या नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ऐसे कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं जा सकती है? पहला होता है आपका क्या बोलो, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, और दूसरा डेप्रिसिएशन फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन? अगर मान लो मेरा लोन था 1,00,000 का, मेरे पास आज $50,000 है, तो क्या मैं उसको पे कर सकता हूं? यस। तो मैं पे करना सही है कि गलत है? सही है। क्या इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? आरबीआई और ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा, $50,000 आपने मुझको देने है, मतलब देने है। दूसरा आता है डेप्रिसिएशन फॉर द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, का मतलब क्या होता है? तो अगर मान लेते हैं मैंने टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के कुछ शेयर खरीद करे है और जो उसका फेस वैल्यू है $10 पर शेयर, और उस पर मैंने $6 पर शेयर पे करा है, आज मेरी कॉल मनी आ चुकी है $4 की, तो मेरे को $4 पे करने के लिए क्या फॉरेन करेंसी मिलनी चाहिए? आंसर इज यस। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरे ये $6 भी क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? आंसर इज नो। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्टेशन पे ऐसे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी परमिसिबल कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के हिसाब से बोलेगा, उसकी लिमिट भी वही बताएंगे और उसके एडिशनल कंडीशन भी वही बताएंगे। इन शॉर्ट अगर मुझको कहना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि आज जो कैट है ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला कौन सा, डेट इंस्ट्रूमेंट वाले, और दूसरे क्या बोलो, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। बताएंगे डेट इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजेक्शन कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब बताएंगे मुझको सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर किसको दिया हुआ है, आरबीआई को दिया हुआ है, आर यू श्योर? चलिए, तो यही बात सेक्शन नंबर 6 में बताई हुई है। सबसेक्शन नंबर 3 मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा आपको सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि आज पीआर हुआ, आज पीआर आए, इंडिया के बाहर कोई भी असेट होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो कोई इमोल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, इफ सच करेंसी और सिक्योरिटी प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड एंड हेल्ड एंड ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज अ पीआर। मतलब क्या कि इंडिया का कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा आईआईटी उसने रैंक कर ली है और उसकी जॉब लग गई है, किसमें बोलो, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई, और वहां पे वो 4-5 साल के लिए रहा है, उसने क्या करा, वहां जाकर के घर खरीदी करा, आज वो वापस अपनी देश की धरती सोना उगले इंडिया में वापस आ गया, तो क्या उसने जब वो प्रॉपर्टी पीआर हुआ था तब खरीदी करी थी, क्या वो आज भी उसको कंटिन्यू टू होल्ड कर सकता है? द आंसर इज यस। या फिर हो सकता है कि आपके मामा जी इंडिया के बाहर रहते हैं और उन्होंने आपको इंडिया के बाहर ही वहां पे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे इनहेरिट कर दी, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हो? सेम अप्लाइज विथ योर फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन सिक्योरिटी ऑल्सो। चलिए, ये बातें नीचे की आप एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे, वही बातों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जैसे पीआर आए, जब वो पीआर हुआ था उस टाइम पे इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, वैसे क्या आज पीआर हुआ है, जब वो इंडिया में आया था पीआर आए करके, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी उसने होल्ड करी थी, तो क्या उसको आज पीआरआई होने के बाद भी कंटिन्यू टू होल्ड कर सकता है? द आंसर इज यस। सबसेक्शन नंबर 6 छोड़िए, सबसेक्शन नंबर 7 छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था क्या बोलो, कैट। अब कैट के बारे में अगर बात करनी है एडिशनली, तो कैट को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैट को कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरी जो परमिसिबल है, तीसरी जो परमिसिबल है भाई पीआर ओआई, और चौथी जो क्या है बोलो, तो परमिसिबल किसको, ये पीआरआई। बताएंगे ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं जा सकती। पहला, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन ऑन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी आती है स्केड्यूल 1 की बात है, जो क्या है बोलो आपकी, सर स्केड्यूल 1 नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो आज स्केड्यूल 1 के अंदर पीआरआई कर सकता है। बताएंगे आपने क्या क्या याद करता है इसके अंदर, लोन बाई पी आर आई टू पी आर ओ आई, दूसरा लोन बाई पी आर ओ आई टू पी आर। अब लोन है तो, लोन है तो गारंटी भी होगा, गारंटी कौन किसको दे रहा है, पी आर आई इन फेवर ऑफ पी आर ओ आई, देन इन्वेस्टमेंट बाई पी आर आई इन द फॉरेन सिक्योरिटी, देन इंश्योरेंस, ओके इसको याद करना। हाँ, अब यही नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इसके अंदर है जिसको आपको याद करना होगा, बिकॉज जैसे आपने क्वेश्चंस देखे हुए, हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा करके आपको सवाल पूछे ये परमिसिबल है कि परमिसिबल नहीं है। वैसे हम कौन सा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं भाई और बहनों, परमिसिबल
कैट बाय दी पीआरआई। क्या सिमिलर लाइन पे आप पीआरओआई की भी कैट याद कर सकते हो? यस। तो छह आपने याद करे ना, उसको बराबर उल्टे तरीके से याद रखना, आपके परमिजिबल कैट बाय पीआरओआई हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो स्पेसिफिकली आपके प्रोहिबिटेड है, तो वो आएंगे आपके कहां पे बोलो? स्केड्यूल नंबर, स्केड्यूल तो वैसे दिया नहीं यहां पे, लेकिन फिर भी रेगुलेशंस के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलेशन क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन आज क्या नहीं कर सकता, सेल ड्रॉ नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज, प्रोवाइडेड दैट क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल आज 250,000 तक के फाइनेंशियल ईयर के फॉरेन करेंसी को ड्रॉ कर सकता है। यस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलआरएस। एलआरएस मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अच्छा, ये 250 का डॉलर का जो लिमिट है वो कैट और करंट के लिए अलग अलग है कि कैट और करंट का मिल मिला के है? वेरी गुड। चलिए उसके बाद, अगर आप ये 250,000 ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हो तो क्या आप कर सकते हो? द आंसर इज नो। बताएंगे मुझको आज कोई पीआरओ है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट चिटफंड में कर सकता है? क्या वो निधि कंपनी में कर सकता है? अच्छा, चिटफंड अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है तो कर सकता है। वेरी गुड। अगर हाँ जी हाँ, एनआरआई से, अगर एनआरआई इंडिया के अंदर चिटफंड में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कर रहा है तो हो सकता है? द आंसर इज यस। बताएंगे मुझको निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती है, रियल एस्टेट के अंदर हो सकती है, फार्म हाउस के अंदर हो सकती है? नहीं, लेकिन रियल एस्टेट में क्या क्या हो सकता है? अगर वो टाउनशिप है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह है, ब्रिजेस है, रियल एस्टेट है, रिट्स है, तो कर सकता है। बताएंगे अब टीडीआर में डील कर सकता है? द आंसर इज नो। क्या आज हम कोरिया के लोगों के साथ कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मान लो एग्जिस्टिंग कोई इन्वेस्टमेंट हमारी कोरिया में है तो उसको कितने दिन के अंदर लिक्विडेट करना है? 180 दिन के अंदर। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको देखनी कौन सी? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बताएंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑलवेज परमिटेड कि ऑलवेज प्रोहिबिटेड? ऑलवेज परमिटेड। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी बोलो? प्रोहिबिटेड कट्स, देन ट्रांजेक्शन जिसको सीजी के अप्रूवल की गरज है, और ट्रांजेक्शन जिसको आरबीआई के अप्रूवल की गरज है। इनको छोड़कर बाकी सारे क्या माने जाएंगे? बाकी सारे परमिटेड है अगर स्पेसिफिकली क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड नहीं है। तो बताएंगे ऐसे कौन सा कट है जो स्केड्यूल वन में बताए हुए? स्केड्यूल वन के अंदर कौन सा है स्पेसिफिकली? प्रोहिबिटेड, जो पीआरआई भी नहीं कर सकता, पीआरओआई भी नहीं कर सकता। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी? अगर मान लो आप लॉटरी विनिंग कर रहे हो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? पीआरओआई। अगर इंडिया के बाहर का कोई पर्सन इंडिया में आकर के राइडिंग, रेसिंग और कोई अदर हॉबी पाल करके पैसे कमा रहा है, इंडिया के बाहर लेके जाना चाहता है, चल सकता है? नहीं। अगर इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन फुटबॉल पूल्स, बैंड मैगजीन, लॉटरी टिकट खरीदी करेगा, पैसे अलाउड है? द आंसर इज नो। अगर मान ले कोई पर्सन कोई एक्सपोर्ट कर रहा है और उस एक्सपोर्ट के बदले कमीशन के लिए फॉरेन करेंसी मांग रहा है, और वो जो एक्सपोर्ट उसने करी थी वो किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बदले करी थी इन द जॉइंट वेंचर और होल्ली ओन सब्सिडरी, तो क्या उसका कमीशन हम लोग अलाउ करेंगे? द आंसर इज नो। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था? पेटेंट का एग्जाम्पल दिया था, याद आया कुछ? इंफोसिस आज पेटेंट का एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर के जेवी में करना चाहता है तो बताएंगे उसका कमीशन अलाउ करेंगे? द आंसर इज नो। अगर ऐसी कोई कंपनी जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है और वो इतना फॉरेन एक्सचेंज कमा के नहीं दे रहा है जितना फॉरेन करेंसी वो आज डिविडेंड के माध्यम से इंडिया के बाहर लेके जाना चाहता है, क्या उसको अलाउड है? द आंसर इज नो। आज कोई भी पर्सन ऐसे कमीशन के लिए फॉरेन करेंसी मांग रहा है जो रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर रशिया के साथ हो रहा है, क्या उसका कमीशन हम अलाउ करेंगे? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आज आप टी और टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसका 10% के इनवॉइस वैल्यू का कमीशन मांग रहे हो तो हम अलाउ कर देंगे। कॉल बैक सर्विसेज के लिए पैसा मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। और नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम अकाउंट का इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए फॉरेन करेंसी मांग रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रांजैक्शन जो सीजे के अप्रूवल से चलेंगे, पहला कौन सा बोलो? कल्चरल टूल्स। दूसरा ऐसी पेमेंट जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो प्रिंट मीडिया में स्टेट गवर्नमेंट एक्सीडिंग क्या बोलो? $10,000। उसके बाद अगर आप फ्रेट और वेसल का पेमेंट कर रहे हो, पीएसयू कर रहे हैं इसको हायर, और इंडिया के बाहर के ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए सीजी के अप्रूवल की गरज है? यस। अगर मतलब इंपोर्ट कर रहे हो ओशन से और आप सीआईएफ बेस पे अगर उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका इंश्योरेंस और फ्रेट का पेमेंट अगर आपको देना है तो उसके लिए किसकी अप्रूवल की गरज है? हाँ, आप एफओबी और एफएएस के बेस पे कर रहे हो तो आपको किसी अप्रूवल की गरज नहीं है। आप अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इंडिया के बाहर है उसका आप अगर सर्विस ले रहे हो तो क्या उसके पेमेंट के लिए आपको अप्रूवल की गरज है? यस। अगर मान लो आज जियो ट्रांसपोंडर की सर्विस ले रहा है इंडिया के बाहर तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की गरज है? यस। अगर मान लो आपका शिप अवंती फीड्स का कोई शिप कंटेनर डिटेन हो चुका है फॉर दी नॉन क्वालिटी ऑफ द गुड्स, बताएंगे मुझको क्या उसके चार्जेस को पे करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की गरज है? यस। अगर मान लो आज इंडिया के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल कोई बॉडी है उसको छोड़कर के और कोई पर्सन इंडिया के बाहर कोई
प्राइज मनी पे करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर तो क्या वहां पे अलाउड है? यस, लेकिन वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए? $1,00,000 से ज्यादा। $1,00,000 तो आप वैसे भी कर सकते हो, $1,00,000 के ऊपर चला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की गरज है। और अगर P&I क्लब के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो कोई फॉरेन करेंसी, उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ये अलाउड नहीं है। ऐसे कोई कट्स जो RBI के अप्रूवल से होते हैं, पहला बताएंगे क्या कट्स के लिए आप $2,50,000 के डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो इंडिविजुअल, द आंसर इज यस। लेकिन अगर आप प्राइवेट विजिट के लिए जाने वाले हो, क्या ये आपके $2,50,000 के अंदर है तो RBI के अप्रूवल की गरज है? नहीं, उसके ऊपर चला गया तो यस। लेकिन नेपाल और भूटान घूमने जा रहे हो तो वहां पे चलता है, रुपीज भी चलता है। गिफ्ट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हो, इमिग्रेट कर रहे हो, क्लोज रिलेटिव को पेमेंट करना है, साथ साथ मेडिकल एक्सपेंस के लिए पेमेंट करना है, बिजनेस ट्रैवल करे जा रहे हो, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, स्टडी अब्रॉड करने के लिए जा रहे हो, या ऐसे कोई भी कट है जिसके लिए आपको पेमेंट चाहिए तो RBI का अप्रूवल ले लो। $2,50,000 तक इसका पेमेंट हो गया तो किसी के अप्रूवल की गरज नहीं, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो होते हैं, क्या उसके लिए आपने कोई पर्ची वगैरह सबमिट कर ली तो बिना अप्रूवल की बात हो जाएगी? उसके साथ साथ और कौन कौन सी है? इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का अगर आपने पर्चे यहां पे जमा कर दी तो बिना किसी अप्रूवल के पेमेंट आप कर सकते हो। चलिए, उसके बाद हमने देखा था, हाँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट है लेकिन परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कौन हो सकता है? जो रेसिडेंट है बट परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, हो सकता है कि कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आया हो डेप्यूट होकर के काम करने के लिए, या इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर गया है, उसको उन्होंने डेप्यूट करा है इंडिया में, और वो कितने सालों के लिए यहाँ पे इंडिया में है? 3 सालों के लिए। 3 साल के ऊपर वो परमानेंटली रेजिडेंट माना जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आज वो इंडिया में कोई पैसे वैसे कमाता है, सैलरी कमाता है, और वो पैसे वैसे वैसे इंडिया के बाहर लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है? कोई लिमिट है? नहीं है। लेकिन उसमें से क्या कट होगा? टैक्स और PF कट होगा। उसके बाद अदर देन इंडिविजुअल क्या सीन है, याद रखना इसको। अगर मान लो आप डोनेशन कर रहे हो किसको, किसी बाहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो आप कितना अलाउ है इसको? टाटा, याद रखना, टाटा आज डोनेशन कितना देगा? 1% ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years और ₹50,00,000 विच एवर इज लेस। ये 3 साल का जो फॉरेन करेंसी अर्न करा है, क्या वो एग्रीगेट है या फिर वो एवरेज है? अगर मान लो आज गोदरेज अपने फ्लैट्स को बेचना है पूना वाले, उसके लिए वो इंडिया के बाहर कोई कमीशन एजेंट अपॉइंट करता है, तो वो कमीशन वो पे कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कितना लिमिट? 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस पर ट्रांजैक्शन और ₹25,000 विच एवर इज हायर। ओके, इसके ऊपर चला गया तो RBI की अप्रूवल, यहां तक बिना RBI की अप्रूवल। अगर मान लो आज L&T किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कोई कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर रहा है, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो आप कितना पेमेंट कर सकते हो? $1,00,000 और अदर इंफ्रा है तो $1,00,000। और अगर आज टेस्ला इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर कोई कंपनी बना रही है जिसके लिए वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रोफेशनल्स को इंडिया के बाहर पे कर रही है, तो कितना अलाउड है? 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट और ₹1,00,000 विच एवर इज हायर। यहां तक कर सकते हैं, उसके ऊपर करना है तो RBI के अप्रूवल की गरज है। और अगर मान लो आप इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, Schedule 2 या Schedule 3, RFC या EFC अकाउंट से करोगे। व्हाट इज RFC EFC अकाउंट? ऐसा अकाउंट जिसके अंदर आपके जितने भी फॉरेन करेंसी आपने अर्न करे हैं वो यहां पे रह जाएंगे। आप यहीं से पैसा उठा करके बाहर देना चाहते हो तो बिना किसी अप्रूवल जितना चाहे लिमिट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली RFC EFC अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए अप्रूवल की गरज है। पहला P&I क्लब का पेमेंट, दूसरा आप फ्लैट्स बेच रहे हो गोदरेज वाला, और तीसरा टेस्ला अगर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का पेमेंट करेगा तो उसके लिए आपको RBI की परमिशन की गरज है, भले वो कहां से पेमेंट हो रही है, RFC या फिर EFC। लिबरलाइजेशन स्कीम क्या होती है? $2,50,000 तक आप कट या कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस रहे। क्वेश्चन के बाद हमने पढ़ा कुछ रेगुलेशंस, उसके बाद ये वाली बात पड़ी क्या कि आज कोई भी पर्सन AP के अलावा किसी के साथ भी फॉरेन करेंसी के साथ डील नहीं कर सकता। आज कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता? इंडिया के अंदर किसी भी इंडिया के बाहर के पर्सन का पेमेंट रुपीज में नहीं कर सकता, उसको ही आके यहाँ पे पेमेंट करनी है। साथ साथ आप हवाला ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यह आता ये पॉइंट। एंड लास्ट वन पॉइंट क्या है? होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, वो छोड़ दो। और साथ साथ ED को कौन एस्टैब्लिश करेगा? CG करेगा। CG उनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, उनके नीचे कौन काम करेगा? वो वही लोग अपॉइंट कर लेंगे। FEMA के अंदर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रटने का काम है आप ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो देख लेना थोड़ा रटना, फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट बुक डाल दूंगा। कल मैं डालने वाला था लेकिन मैं भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी।
तो लिखना बराबर आपने नोटबुक के अंदर बिना किसी गलती के लिखना, आपकी एक गलती आपका एक एग्जाम आगे ढकेल सकती है। ओके, गलती से आपने अलाउड, नॉट अलाउड, डिसअलाउड और परमिटेड अमाउंट को इधर उधर लिख दिया तो बड़ा कांड हो सकता है आपके साथ। तो निवांत शांत दिमाग से उन सारी बातों को नोट डाउन कर लेना और उसी के साथ रिवीजन करना। आप बुक में वापस आकर के रिवाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं रहा है तो वापस आकर के बुक से पढ़ लेना।